Hello everyone, myself Aarti Mehra and I warmly welcome you to our channel College 2. There are many students जो ऐसे courses search कर रहे हैं जिससे वो अपने career को एक direction दे सकें और जल्दी से जल्दी job opportunities ले सकें. तो चलिए जानते हैं आज diploma courses के बारे में जो हम 10th के बाद भी कर सकते हैं. बहुत सारे student ऐसे हैं जो 10th के बाद अपनी studies को आगे continue नहीं करते, चाहते हैं किसी ऐसे डिप्लोमा कोर्स जिसके ज़रिए वो अपने करियर को शेप दे सकें. तो चलिए जानते हैं ऐसे कोर्सेज के बारे में. सबसे पहले बात करते हैं डिप्लोमा इन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी. ये एक ऐसा कोर्स है जिसके अंदर फाइबर, कपड़े और उनसे रिलेटेड मशीन के बारे में आपको पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है. ये सारी ट्रेनिंग लेने के बाद आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जा सकते हैं, फैशन इंडस्ट्री में जा सकते हैं, साथ ही साथ अपने करियर को बना सकते हैं इस फील्ड में. कोर्स ड्यूरेशन की बात की जाए तो ये कोर्स 3 ईयर का होता है और अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो हम इसको 10th के बाद भी कर सकते हैं. अब बात करते हैं डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग. आप 10th के बाद में मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हैं, बट उसके लिए आपको 10th में 55% मार्क्स तो चाहिए ही. और कोर्स ड्यूरेशन की बात की जाए तो मिनिमम 3 ईयर्स होते ही होते हैं या फिर मैक्सिमम 6 ईयर होते हैं. अब बात करते हैं डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियर. ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है टू बिल्ड योर करियर. इस कोर्स की ड्यूरेशन पीरियड है वो भी 3 ईयर. एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप 10th के बाद भी इसको कर सकते हैं. नेक्स्ट है डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग. आफ्टर 10th जिनका इंटरेस्ट टेक्निकल चीज़ में ज़्यादा है वो ये प्रोग्राम कर सकते हैं. इसकी ड्यूरेशन की बात की जाए तो ये भी 3 ईयर का कोर्स होता है. एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप 10th के बाद इस कोर्स में जा सकते हैं और अपना करियर डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में बना सकते हैं. चलिए जानते हैं अगले कोर्स के बारे में जो है डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग. तो आप 10th के बाद भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बन सकते हैं, स्पेशली अपना करियर कंप्यूटर हार्डवेयर इंडस्ट्री में बना सकते हैं. ये उन स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपना करियर टेक्निकल लाइन में करना चाहते हैं. इसके ड्यूरेशन की बात करें तो ये 3 ईयर का प्रोग्राम होता है एंड एलिजिबिलिटी की बात करें तो वो 10th के बाद आप इस कोर्स को कर सकते हैं और आगे अपना करियर एज अ हार्डवेयर कंप्यूटर इंजीनियर के रूप में बना सकते हैं. आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले कोर्स के बारे में जो है डिप्लोमा इन डेंटल मैकेनिक्स. ये एक डेंटिस्ट की तरह का कोर्स है, बट ये डेंटिस्ट का कोर्स नहीं है, ये डेंटल मैकेनिक्स का कोर्स है जहां आपके डेंटल टीथ और टीथ रिलेटेड चीज़ें डिज़ाइन की जाती हैं. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी ओल्ड जनरेशन जिनको टीथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स काफ़ी फेस करनी पड़ती है, बट अब ऐसा नहीं होता जस्ट बिकॉज ऑफ डेंटल मैकेनिक्स. ये 2 ईयर का प्रोग्राम है. अब बात करते हैं डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है आजकल की यूथ के लिए जिनका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है और इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में जो अच्छे हैं. तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज़ बेस्ट ऑप्शन फॉर द स्टूडेंट फॉर देयर करियर. इस कोर्स की बात की जाए तो ये 3 ईयर का कोर्स होता है. नेक्स्ट कोर्स है डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट. अगर आपका इंटरेस्ट कुकिंग में है और आप अपना करियर इसमें बनाना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा क्योंकि इसकी डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड है. ड्यूरेशन की बात करें तो ये 2 ईयर का कोर्स है. चलिए बात करते हैं डिप्लोमा इन फैशन टेक्नोलॉजी. ये बहुत ही पावरफुल इंडस्ट्री है आजकल, हर किसी का ध्यान फैशन की तरफ है, तो इसमें काफ़ी स्कोप है और अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है. ये 3 ईयर का प्रोग्राम होता है. तो ये थे आपके लिए कुछ टॉप डिप्लोमा कोर्सेज जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं आफ्टर 10th. ये सारे कोर्सेज बहुत ही वैल्यूएबल कोर्स हैं और आप अपना करियर बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर सच मोटिवेशनल एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़ वीडियोज़. जल्द ही मिलते हैं कुछ ऐसी नई वीडियोज़ के साथ. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.